प्रणाम गुरुदेव। क्या हुआ, कोई विशेष बात? गुरुदेव, बहुत ही अशुभ समाचार आया है सुमेरु से। युवराज मारुति सूर्यदेव को आकाशफल समझकर उसे खाने के लिए उड़ गए हैं। सब अनहोनी घटने की आशंका से चिंतित हैं। गुरुदेव, आश्चर्य है, इतनी बड़ी घटना घटित हुई है। सब युवराज की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं, किंतु आप? असाधारण घटनाएं असाधारण परिवर्तन के लिए ही होती हैं। मारुति की यह सबसे लंबी उड़ान एक बहुत बड़े परिवर्तन को जन्म देने वाली है। या तो मारुति का अंत होगा या मारुति सदैव के लिए अजय हो जाएगा। ये क्या कह रहे हैं गुरुदेव, युवराज का अंत? हमें मारुति की सुरक्षा के लिए यज्ञ करना होगा, अति शीघ्र व्यवस्था करें। अवश्य गुरुदेव, अवश्य गुरुदेव। ना जाने कहाँ चला गया वो, मारुति ने उसे हर ओर ढूंढ लिया, किंतु वो तो मारुति को मिल ही नहीं रहा है। अब क्या करूं? कितनी देर उसे ढूंढता रहूं? चलो अब हम भी चलते हैं। पिताश्री भी इसी तरह व्यायाम करते हैं। देवराज इंद्र, आपका ऐरावत तो गया। एक छोटे से बालक ने आपका ऐरावत छीन लिया आपसे। वो आपके ऐरावत के साथ क्रीड़ाएं कर रहा है। आपके जग प्रसिद्ध वाहन की ये दशा? सारा संसार आप पर हंसेगा। ये सब देखकर कौन आपको देवराज पद पर स्वीकार करेगा? आपका तो सिंहासन भी छिन जाएगा देवराज इंद्र। और वैसे भी इस बालक के हाथों हास्य का पात्र बनने के पश्चात आप देवराज पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार भी खो चुके हैं। वो बालक निरंतर उद्दंडता किए जा रहा है और फिर भी आप उससे बात करेंगे? इतना सब होने के पश्चात भी आप मातृ से देख रहे हैं कि उद्दंडी बालक है? आप इससे बात मत कीजिए, अस्त उठाइए, दंड दीजिए इस बालक को, दंड दीजिए। ए
छोड़ दो ऐरावत को। और अपनी उद्दंडता के लिए क्षमा मांगो। उद्दंडता? किंतु आप हैं कौन? मुझे नहीं जानता उद्दंडी बालक, मैं देवों का राजा इंद्र हूँ। किंतु आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मारुति ने तो कोई उद्दंडता नहीं की है आपसे। क्षमा मांगो अपनी उद्दंडता के लिए, अन्यथा हम तुम्हें दंडित करेंगे। किंतु मारुति ने तो आपके प्रति कोई अपराध नहीं किया है। एक तो इस बालक ने मेरे स्थान पे स्वयं सूर्य को निगलकर महापाप किया, दूसरा ये आपका अनादर भी कर रहा देवराज इंद्र। अच्छा, आप इस गजराज के कारण ऐसा कह रहे हैं? ले जाइए ले जाइए, मारुति को तो अपनी माँ के पास जाना है। बिना क्षमा मांगे तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तुम ऐसे नहीं मानोगे उद्दंडी बालक। ये मेरा सूत्रास्त्र तुम्हें बांध लाएगा यहाँ। को क्यों पकड़ना चाहते हैं? मारुति को तो माँ के पास जाना है। अब तो तुम्हें मुझसे क्षमा मांगनी ही होगी वानर बालक। अन्यथा तुम्हें ये सूत्रास्त्र से देखा देवराज, कितना चतुर बालक है ये। अच्छा, लघु रूप भी बना लेते हो तुम, किंतु अब तुम मेरे संघात अस्त्र से नहीं बच पाओगे। मेरा ये मूर्छास्त्र तुम्हें अचेत कर देगा।